इतना अच्छा, पर इतना एक्चुअली सुबह से जितना लग रहा था कितना खा लूंगी, मुझे तो लग रहा उसका आधा भी नहीं खा पाई। तुमने पूरा एक बाल्टी खाया है। चुप करो, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ऐसा लगा कि जितना मुझे टेस्टी देख के लग रहा था खाना, उतना खा के फील नहीं हो रहा था क्योंकि यार मैं भी बहुत भूख लग लग के ना, वो खाना मतलब भूख ही चला गया था, कुछ तो अजीब ही सा हो गया था। आज नहीं, आज मैं पूरा अलर्ट था क्योंकि एक तो खाना नहीं खाई, पानी नहीं पी रही, तो भड़क कभी भी सकती थी। तो जो इसने बोला मैंने वही वही किया है, जैसे चाहो वैसा हुआ है। वो क्या क्या चाहा मैंने? गुरमीत बोला, मैं फटाक से आगे सामने, गुरमीत राइट तो राइट, लेफ्ट तो हाँ, लेफ्ट। मैंने बोला था सुबह कहीं मुझे जाना था, बोले तुम चलोगे तो तुरंत गया मेरे साथ। करवा चौथ काफी पावन अवसर होता है, तो हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखे जाते हैं, और इतने साल से आप रखे हैं, तो मतलब 2011 से अब तक, मतलब हाउ वाज द जर्नी, जर्नी कैसी रही एज अ हस्बैंड वाइफ? आई थिंक जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। इट्स लाइक दैट ऑन द फ्रेंड जोन, ऑन दैट वॉट एवर लव जोन, तो जैसा था बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वैसा ही है। वेल कुछ फ़र्क, कुछ अलग तो कभी कभी नहीं हुआ। जैसे थे हम शादी से पहले जब दोस्त थे, वैसे ही आज भी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो मैं आज पति हूँ, चल लड़की आ जा, ऐसा खाना खा के मुझे ऐसी नींद आ रही लग रहा है। ऐसे इंटरव्यू मिल लिया किसी का? हाँ, सोते हुए। हाँ बेटा, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जो दोस्त थे हमारे बीच में, बहुत दोस्ती है, कुछ बदला कुछ नहीं है, जैसे थे वैसे है। करवा चौथ में एक्चुअली मैंने कुछ नहीं दिया है, बाकी दिनों में होता है, लेकिन करवा चौथ पे ऐसे कभी मौका नहीं मिला या ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं कि गिफ्ट देना पड़ता है। बट हाँ एक्चुअली हम लोग खास कुछ ओकेशंस में एक दूसरे को गिफ्ट देते नहीं हैं, जो जिस टाइम पे महसूस करते हैं कि ये चाहिए, वो भले उसको हो या मुझे हो, अगर मुझे पता है कि मैं मेरे लिए कुछ ख़रीदने जा रही हूँ और गुरमीत को वो चाहिए होता है, तो मैं उसके लिए भी ले लेती हूँ। और जब ये कहीं पे होता है और उनको पता है कि मुझे एक चीज़ पसंद है या चाहिए है, तो वो मेरे लिए ले लेते हैं। मतलब वो डिमांड के हिसाब से होता है। मतलब मेरे हिसाब से गिफ्ट के लिए जब भी हम ख़रीदने बैठते ना, तो एक्सेस चीज़ भरता है, कचरा टाइप का। तो जब चाहिए होता है तो उस टाइम पे आपको जो ज़रूरत है वो ख़रीद लो, तो वो कचरा नहीं होता एटलीस्ट। पर वैसे तो ये होता ही है कि हम लोगों को एक चीज़ चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, फिर जो पास आ जाता है तब वो उसका वैल्यू उतना नहीं रहता, धीरे धीरे कम हो जाता है, तो कचरा ही बन जाता है। तो फिर भी मेरे हिसाब से गिफ्ट से ज़्यादा तो जो चाहिए वो ख़रीदना चाहिए। Yeah, how amazing! We had an awesome videos देखे, yes. trip to Maldives. Oh my God, like the best one. मुझे तो मेरे हिसाब से तो सारे जो couples हैं सबको एक बार Maldives तो जाना चाहिए, to understand what we are talking, the experience. काफी गुरमीत आपके dance moves भी देखे, काफी अच्छे, मतलब ऋतिक रोशन के तो fans पहले से रहे हैं। बिल्कुल, ऋतिक के fan हर कोई है। आई थिंक वो पूरे पैकेज है, आई थिंक लुक्स, एक्टिंग, डांस, हर चीज़ में, आई मीन ही इज़ नंबर वन।